जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? चलो आज हम 5 चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसका नाम था टेबल्स एंड ग्राफिक्स इन वर्ड। ठीक है, वर्ड में आपने टेबल बनाना सीखा था। ठीक है, अब उसमें क्या क्या सीखा था? तो इंसर्टिंग अ टेबल, वर्किंग विथ अ टेबल, सिलेक्ट अ सेल, रो और कॉलम, इंसर्टिंग रोस एंड कॉलम्स। ठीक है, तो रो और कॉलम और सेल क्या होता है ये आपने जान लिया था। अब डिलीटिंग रोस एंड कॉलम्स, ठीक है, डिलीट करना हम सीखेंगे। आप पूरा टेबल बना लिया है आपने, पर उसमें से कोई कॉलम या रो या सेल आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, टू एड अ रो और कॉलम पुट द पॉइंटर आउटसाइड द टेबल बिटवीन टू रोस और कॉलम्स, द इंसर्ट कंट्रोल प्लस विल अपियर, क्लिक ऑन इट टू एड अ रो और कॉलम। हमने फर्स्ट पार्ट में कॉलम और रो ऐड करना सीख लिया था, ठीक है, वही है यहाँ पे। अब है डिलीट वाला, टू डिलीट अ रो और कॉलम इन अ टेबल। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो फर्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन अ सेल इन द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट। आप जो भी कॉलम और रो डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें से आपको जो सेल है उसके ऊपर राइट साइड क्लिक करना है, जो डिलीट करना चाहते हैं वो सेल। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू क्लिक डिलीट सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट सेल्स का ऑप्शन खुलेगा। अ डायलॉग बॉक्स ओपन्स, सिलेक्ट वांट टू डिलीट अ रो और अ कॉलम, देन क्लिक ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब जो आपने सिलेक्ट किया है उसके सेल से लेफ्ट साइड वाला, अप वाला, ऊपर वाला, या डिलीट एंटर रो, जो भी रो है वो पूरी सिलेक्ट सेल सिलेक्ट है उस वो पूरी रो आपको डिलीट करनी है, डिलीट एंटर कॉलम, या आपको पूरी वो कॉलम डिलीट करनी है। तो इसमें से आपको जो भी डिलीट करना है वो सिलेक्ट करना है, हमें पूरी रो डिलीट करनी है, इसलिए डिलीट एंटर रो पे क्लिक करेंगे और फिर ओके दबाएंगे। द रो और कॉलम विल गेट डिलीटेड। यू कैन डिलीट रोस एंड कॉलम्स यूजिंग द मिनी मेन्यू टू। आप यहां से दूसरा भी कोई डिलीट करना चाहो तो वो क्लिक करके ओके दबाना है। ठीक है, तो इस तरह से रो, कॉलम या सेल डिलीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है मार्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। ठीक है, समटाइम्स यू मे वांट टू मर्ज, मतलब कंबाइन सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल, यू may want to merge cell to from a single heading that stretches over a number of columns to merge cell। आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं बार ऐसा होता है कि एक हेडिंग एक होती है और नीचे दो लाइन में तीन लाइन में लिखना होता है, तो ऊपर जो हेडिंग है उसको वो सेल सारे मर्ज करने पड़ेंगे, मतलब वो कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ मार्क्स से उसके नीचे सब्जेक्ट नाम लिखा है इंग्लिश मैथ साइंस। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग क्या है? मार्क्स, तो वो तो सब में सेम ही आएगी। तो ये तीनों सिलेक्ट करके इसको मर्ज किया गया है। कैसे करोगे? तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज एंड राइट क्लिक। ठीक है, सिलेक्ट करना है, तीन है तो तीनों एक साथ सिलेक्ट करने हैं, फिर राइट क्लिक करना है। इन द कंटेंट्स मेन्यू दैट ओपन्स क्लिक मर्ज सेल्स। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे मर्ज सेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, द सेल्स विल बी मर्ज इनटू अ सेल, वन सेल इनटू वन सेल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है तो वो मर्ज हो जाएगा। यू कैन स्प्लिट, मतलब डिवाइड अ सेल इनटू टू और मोर सेल्स, फॉलो दिस स्टेप टू स्प्लिट अ सेल और सेल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन द सेल टू बी स्प्लिट, राइट साइड क्लिक करना है। इन द कॉन्टेंट्स मेनू क्लिक स्प्लिट्स
सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इन द डायलॉग बॉक्स दैट ओपन सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो यू वांट द सेल टू बी स्प्लिट इन टू, देन क्लिक ओके, द सेल विल गेट स्प्लिट। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा भी बॉक्स होगा कि जिसके अंदर दूसरे बॉक्स आपको लिखने हैं तो उसमें स्प्लिट करने होंगे, तो कितने कॉलम और कितनी रो आपको ऐड करनी है वो यहाँ पे नंबर में लिखने हैं और फिर ओके करना है। ठीक है, व्हेन वर्किंग ऑन टेबल्स द लेआउट टैब अपीयर्स, इट हैज़ कमांड्स रिलेटेड टू टेबल्स, यूज द वंस इन इट्स रोज एंड कॉलम्स ग्रुप टू एड और डिलीट रोज एंड कॉलम्स, यूज द मर्ज ग्रुप्स कमांड्स टू मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। ओके, चलो अब पेज नंबर 45 में आएंगे, टेबल बॉर्डर्स एंड शेडिंग। हम पूरा टेबल हमने बना लिया पर उसका दिखाव कुछ लुक अलग करने के लिए उसमें कलर शेड बॉर्डर अलग करेंगे, ये सब करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा टेबल्स एंड शेडिंग्स, टेबल बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। यू कैन फॉर्मेट अ टेबल एंड इट्स सेल्स बाय चेंजिंग देयर बॉर्डर्स एंड कलर शेडिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक द टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब। टेबल टूल डिज़ाइन टैब को क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वहाँ पे है टेबल टूल में डिज़ाइन है। ठीक है, उसको क्लिक करना है। क्लिक ऑन शेडिंग एंड चूज अ कलर फॉर द टेबल, देन क्लिक ऑन द सेल्स ऑफ द अपर रो वन बाय वन एंड गिव देम डिफरेंट कलर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो शेडिंग लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वन बाय वन दूसरे कलर और शेडिंग वो सब दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट द टेबल अगेन इन द बॉर्डर्स ग्रुप, सिलेक्ट हो गया फिर से टेबल सिलेक्ट करके बॉर्डर ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट अ लाइन स्टाइल, लाइन वेट एंड पेन कलर फॉर द बॉर्डर। आपको जो बॉर्डर है उसका और पूरी उसकी लाइन है उसके लिए भी, या थर्ड स्टेप आप पिक्चर में देख सकते हो उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ से बहुत सारी लाइन वाला दिखेगा आपको, उसमें आपको जो भी अच्छा लगे उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक बॉर्डर्स एंड फ्रॉम इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज द साइड्स ऑन विच यू वॉन्ट द बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में भी आपको जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बॉर्डर और शेडिंग दोनों आ जाएगा। उसके बाद है टेबल स्टाइल, यू कैन क्विकली चेंज द लुक ऑफ अ टेबल बाय यूजिंग प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल्स। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द टेबल एंड देन क्लिक द टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब। ओके, टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिखा है वहाँ पे। ठीक है, इन द टेबल स्टाइल्स ग्रुप यू विल सी अ रो ऑफ थंबनेल शोइंग टेबल स्टाइल्स, क्लिक ऑन द एरोज ऑन द साइड टू स्क्रॉल थ्रूट द स्टाइल्स। You can also click the more button to see all the available styles. ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी स्टाइल देख सकते हो, ऊपर नीचे करके बहुत सारी स्टाइल में आप क्लिक करोगे तो नीचे, मतलब माउस सिर्फ ले जाओगे ना तो नीचे टेबल जो सिलेक्ट होगा ना उस पर डायरेक्ट आपको दिखेगा कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो क्लिक कर सकते हो। क्लिक ऑन द स्टाइल यू वॉन्ट द लुक ऑफ योर टेबल विल चेंज। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। टू मॉडिफाई द टेबल स्टाइल चेक और अनचेक द ऑप्शंस इन द टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो टेबल उसका लुक इस तरह से ही दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज का आपको वर्क दे देती हूँ। पेज नंबर 42 में सबसे ऊपर आप देख सकते हो कॉलम, रो और टेबल और सेल।
ये जो है वो आपको ड्रॉ करना है और लिखना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, टेबल को टेबल में और सेल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोटबुक में न्यू पेज में ऊपर हेडिंग डालनी है, फाइव टेबल्स एंड ग्राफिक्स इन वर्ड, और फिर ये ड्रॉ करना है, ठीक है।